अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पीएम आवास के हितग्राहियों को द्वितीय व तृतीय किश्त हुई आवंटित। प्रभारी मंत्री कमल पटेल पहुंचे खरगोन, मंच से कांग्रेस पर जमकर दागे शब्दों के तीर। प्रदेश के कृषि व जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल आज शनिवार को जिले के भ्रमण पर आए। इस दौरान आरटीओ परिसर में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 912 हितग्राहियों को द्वितीय व तृतीय किश्त आवंटित किए गए। नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल ने बताया कि प्रभारी मंत्री पटेल द्वारा पीएम आवास योजना के बीएलसी घटक के 408 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त 1,00,000 प्रति हितग्राही के हिसाब से कुल 4,08,00,000 और 505 हितग्राहियों को तीसरी किश्त के रूप में प्रति हितग्राही 50,000 रुपए कुल 2,52,00,000 50,000 रुपए की राशि खाते में आवंटित किए गए। इस तरह कुल 912 हितग्राहियों को 6,60,00,000 50,000 रुपए शनिवार को खाते में डाले गए। इस दौरान मंत्री कमल पटेल और विधायक रवि जोशी के बीच हुआ वाद विवाद। मंत्री पटेल ने कांग्रेस पर जमकर दागे शब्दों के तीर। वहीं विधायक रवि जोशी ने मंच से गिनाए शहर के विकास कार्यों में कमियां। वहीं दूसरी ओर मंत्री कमल पटेल ने आजादी दिलाने का साफा नेहरू परिवार ने बांध लिया, आजादी के लिए बलिदान देने वालों को भुला दिया। आज उन क्रांतिकारियों को, आजादी के वीरों को भाजपा सरकार याद कर रही है। शायराना अंदाज में बोले, उनकी समाधि पर दिए भी नहीं जले जो देश के लिए कुर्बान हुए, मकबरे उनके जगमगाए जिन्होंने शहीदों के कफन बेचे। ऐसे मंच से बयान दिए। हितग्राहियों को 6,61,00,000 रुपए हमने एक क्लिक दबाकर इनके खातों में डाले हैं। यही सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए अब सीधे खातों में पैसे जा रहे हैं। नहीं तो एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गाँव में जाते रहते 15 पैसे रहते, 85 पैसे सत्ता के दलाल खजाते हैं। तो सत्ता उनकी थी तो दलाल भी उनके थे, इसलिए देश ने विकास नहीं किया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 7 साल में वो काम हुआ जो 60 साल में नहीं हुआ। करोड़ों मकान बन गए, करोड़ों गैस टंकी चूल्हा मिल गया, करोड़ों लोगों को घर घर नल की बिजली की व्यवस्था हो रही है, शौचालय बनाए हैं, और अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है ईमानदारी के कारण। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। गांधी जी का सपना था कि ये देश गांव का देश है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन नकली गांधी बनकर जिन लोगों ने 60 साल राज किया, उन्होंने गांधी का सपना साकार नहीं किया। गांधी जी का सपना अगर साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसलिए अब गाँव की स्वामित्व योजना के माध्यम से गाँव के प्लाट की कीमत होगी आबादी में। गरीब आदमी के पास भी जगह है, झोपड़ी बना के रहता है, उसको मकान बनाने के लिए मिलेगा, दुकान के लिए मिलेगा, उद्योग के लिए मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, लिमिट मिलेगी और सॉल्वेंसी बनेगी। इससे दो हाथ को काम होगा, किसान का बेटा खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग कर सकेगा और दो हाथ को काम मिलेगा तो ये देश आत्मनिर्भर होगा और भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगी। ये स्वामित्व योजना भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाली योजना है। ये स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना बेरोजगारी दूर करने वाली योजना है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लोगों को रोजगार देने वाली योजना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना। इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। कल आपने खाद को लेकर कहा था कि असामाजिक तत्व घुस जाते हैं लाइन में और विवाद करते हैं। देखिए, खाद की कोई कमी नहीं है। मैं आज किसानों के बीच में आ रहा हूँ, सबसे पूछता आया खाद की कमी, बोले नहीं भैया पर्याप्त मिल रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस ही अलाप रहे हैं, क्योंकि सत्ता जाने के बाद में जैसे मछली पानी में बाहर निकालो तड़पती, ऐसे कांग्रेस ही तड़प रहे हैं। सत्ता है, सत्ता लूटने का इनका बंद हो गया धंधा, और इसलिए कांग्रेस ही चिल्ला रहे हैं। बाकी किसानों को पर्याप्त खाद मिल रहा है, हाँ जो ब्लैक में करते थे उनको नहीं मिल रहा है और इसलिए वो बौखला रहे। हम किसान को बही के आधार पर जितने आवश्यकता उतना खाद दे रहे हैं। भारत सरकार भी पूरा DAP यूरिया दे रही, पिछली बार इस समय जो बोनी होती उससे ज़्यादा बोनी हमने करा दी है और आगे भी खाद आता रहेगा, कोई कमी नहीं है। कांग्रेस ने नकली गांधी बताया। नकली गांधी इसलिए क्योंकि इन्होंने नेहरू जी की लड़की इंदिरा जी, फिरोज खान के ये कहाँ से गांधी हो गए, और इसलिए इन्होंने गांधी के नाम पर सत्ता प्राप्त करने के लिए राज करने के लिए किया, 50 साल 60 साल राज किया पर गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया, 60 साल में गरीबों को एक पक्का मकान नहीं दिया, 60 साल में गरीब को एक गैस टैंक की चूल्हा नहीं दिया, 60 साल में गाँव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, 60 साल में गाँव को आबादी का मालिकान हक नहीं दिया, 60 साल में एक घर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की और इसलिए देश पिछड़ गया। सिर्फ भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है और इसलिए देश पिछड़ा। लेकिन मोदी जी ने
सब व्यवस्था बदल दी, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन और ईमानदारी। प्रधानमंत्री ईमानदार तो जनता भी ईमानदार होगी, यथा राजा तथा प्रजा। प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेते हैं तो पूरे देश की जनता हाथ में झाड़ू। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज लॉकडाउन, घर में रहोगे तो पूरे देश की जनता घर में रहती है। 5 बजे थाली और ताली बजाओगे तो 5 बजे थाली और ताली बजाते। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है और विकास किया है, और जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता का दिल और विश्वास जीता है। और इसलिए अब देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी होगी। भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा और विश्वगुरु के स्थान पर पहुँचेगा। क्रांतिकारी टंट्या मामा जी की अनावरण हो रहा है आज। टंट्या मामा जी की उनको गौरव दिलाने के लिए क्रांतिकारी थे। देखिए, एक पेड़ को काटने में 100 मजदूर लगते हैं, बड़े पेड़ को रात दिन 3 दिन रात मेहनत करके काटते हैं। जब 3/4 कट जाता है तब 5 लोग रस्सा बांध के खींचते हैं, वो पेड़ को गिरा देते हैं। राहगीर समझते हैं कि 5 लोगों ने इतना बहादुरी का काम किया और जिन लोगों ने मेहनत करी रात दिन, 100 लोग मजदूर, उनका कहीं नाम नहीं। ऐसे ही आज़ादी के साथ हुआ कि नेहरू परिवार ने अपना श्रेय ले लिया, साफा बांध लिया आज़ादी का, वो 50-60 साल राज कर गए। और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हंसते हंसते फांसी के झूले पर चढ़े, उनका कहीं नामो निशान नहीं। और इसलिए हम कहते थे कि उनकी समाधि पर एक दिया भी नहीं जो देश के लिए मरे, और जगमगा रहे हैं उनके मकबरे जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इसलिए देश के अंदर देशभक्ति की भावना की कमी थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जितने भी क्रांतिकारी हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े गांव शहर, सबको ढूंढ ढूंढ कर सही इतिहास पढ़ाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति आ रही है, उसके अंतर्गत देश के देशभक्तों का, क्रांतिकारियों का गौरव बढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि इनसे प्रेरणा मिले और देश के लिए जीना सीखें। आज़ादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, अब आज़ादी के बाद देश के लिए जीने की आवश्यकता है। और इसलिए देश के लिए जीना सिखाने वाली शिक्षा पद्धति आ रही है, स्वाभिमानी पुरुषार्थी चरित्र देशभक्त नागरिक तैयार करने वाली शिक्षा पद्धति आ रही है। और इसलिए देश बदलेगा और आगे बढ़ेगा और दुनिया में सिरमौर बनेगा। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट खरगोन।